एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी का चीला। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और हेल्दी रेसिपी का अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की ओर। यहाँ पे है मेरे पास एक कटोरी जितना सूजी, ये है मेरे पास मटर, और यहाँ है मेरे पास दो कटी हुई हरी मिर्ची, ये है कटी हुई हरा धनिया, यहाँ पे है एक ग्रेटेड गाजर, ये है एक बड़ा छोटा छोटा कटा हुआ प्याज, यहाँ पे है एक छोटा कटा हुआ टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इस सूजी को सोक कर लेंगे। हमें सोक कैसे करना है, ये जितना सूजी है बस उतना पानी डालें जिसमें ये डूब जाए। डूब के थोड़ा सा पानी, इतनी उंगली भर जितना, इतना ऊंचा रहना चाहिए क्योंकि सूजी फूल जाएगी। उसके बाद हम इसे ज्यादा पानी डाल देंगे तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये है सूजी जिसे मैंने भिगो कर रखा था, तो ये फूल गई है सूजी। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके इसमें मिला लेंगे। इस मैंने मटर को थोड़ा सा मिक्सी में हल्का पेस्ट कर लिया है, आप चाहे तो इसे ऑप्शनल भी रख सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैं एक एक करके सब डाल दूंगी। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला लिया है। देखिए इसमें थोड़ा सा पानी अभी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी करके। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। इसकी कोई भी सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं नमक मैंने थोड़ा कम ही डाला है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिक्स पूरा रेडी है, फिर इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि पूरे सब्जियों का फ्लेवर्स उसमें आ जाए। तब तक के लिए इसे ढक के रख देते हैं। इस पूरे मिक्स को मैंने 5 मिनट तक रेस्ट होने दिया था। अब इसे अच्छे से थोड़ा फेंट लेंगे। अब ये रेडी है पैन में जाने के लिए। पैन मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आप घी, रिफाइंड ऑयल, जो भी आपको लगता है उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इस तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसे थोड़ा सा फैला लूंगी। तवा ना ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा, बिल्कुल उसी टाइम पे हम इसे डालेंगे। अब मैं इसको डालूंगी। डाल के इसे थोड़ा फैला लेंगे। चीला को थोड़ा चेक कर लेते हैं। ध्यान रहे चीला मीडियम फ्लेम में पकेगा और इसे उलटने से पहले देख लीजिए कि ये सब साइड से पका है कि नहीं। अगर आप उससे पहले ही इसे उठाने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। ये अभी भी पकना बाकी है, हम थोड़ी देर और वेट करेंगे। देखिए अब हर साइड से ये उठने लगी है। अब हम इसे इसी टाइम पे पलट देंगे। अब हम दूसरे साइड को भी पका लेंगे। चीला वैसे पक चुका है, बस अब हम दूसरे साइड को उसे थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम करके उसे अच्छे से सेक लेंगे, फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए चीला को मैंने निकाल दिया है, ये कितना सुंदर और हरा भरा दिख रहा है ये सूजी का चीला, और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्प भी बना है। तैयार है गर्मा गर्म हरा भरा सूजी का चीला जिसे मैंने सर्व किया है पीनट्स की चटनी के साथ। आप इसे गर्मा गर्म सुबह में एज अ ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होता है। मैं फिर से मिलूंगी एक इसी तरह की एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।